अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको सबक नंबर 3 से रिलेटेड काफ़ी कुछ मालूमात फराहम कर चुकी हूँ। आज इसका हिस्सा 9 देखने जा रहे हैं हम। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, गलती से 8 हुआ है लेकिन वो 9 है। आज हम पार्ट 9 देखने जा रहे हैं। हमारा सबक का नाम है एटम और मॉलिक्यूल्स। अब आप जैसे जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कीमिया इत्तेहाद का कानून, कमियत की बका का कानून, मुस्तकिल तनासिब का कानून, डाल्टन का एटमी नज़रिया, तमाम चीज़ें मैं आपको बखूबी बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हमारे जो जितने भी अतराफ़ के मादे हैं वो तमाम एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, और इसका पता सबसे पहले जो साइंसदान ने लगाया था, तो वो साइंसदानों ने अपने डाल्टन ने लगाया था। और तमाम एटमी मादे खला में आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं, ऐसा उनका कहना है था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा एटम में मौजूद ज़र्रात का पता लगाने के बाद उन्होंने बताया कि एटम आज़ाद हालत में नहीं रह सकता, और एटम के बुनियादी ज़र्रात उसमें जो बारीक से बारीक ज़र्रा जिसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, उस ज़र्रे के अंदर 3 बुनियादी ज़र्रात आए हुए हैं, और वो बुनियादी ज़र्रात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अब वो न्यूट्रॉन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर से डाल्टन ने तो नज़रिया देकर हट गए, लेकिन उनके बाद जो दो साइंसदान आए थे, लुइज़ियर और प्राउस्ट, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ कर इत्तेहाद का कानून दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कमियत की बका का कानून दिया। तो इस तरीके से ये सिलसिला आगे चलता गया, और आगे चलने के बाद हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी मालूमात फराहम कर चुकी थी। मुस्तकिल तनासिब के कुलिये में हमने देखा था कि हर एक एटम से बनने वाले जितने भी केमिकल्स है जो डाल्टन ने जिसके बारे में मालूमात दी, उसके अंदर सबका तनासुब, सबका वज़न होता है, और तमाम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार होती है। इस तरीके से एटम क्या था, एटम के बारे में बताया था। तो एटम वो शय थी, वो छोटा सा छोटा ज़र्रा जो किसी की भी सभी खसूसियात को जाहिर करता है और आज़ाद हालत में रह सकता है, वो एटम कहलाता है। एटमों के बहुत सारे एटमों के मिलने से साल में बनते हैं, और जिस तरह एक ज़र्रा पत्थर की साख्त की इकाई होती है, उसी तरह एटम भी किसी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये एटम के बारे में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है जो मैंने बता चुकी हूँ इससे पहले की वीडियो में। अनासिर की मालूमात में जो ज़मीन से दस्तियाब होने वाले अनासिर है वो मुरक्कब की शक्ल में दस्तियाब होते हैं, तो ऐसे जैसे ग्रेफाइट, हीरा, सोडियम, लिथियम। उसके बाद आता है डाल्टन का एटमी नज़रिया। तो डाल्टन के एटमी नज़रिए के मुताबिक तमाम मादे, वो चाहे अनासिर हो या मुरक्कबात हो या आमेजा हो, छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनते हैं, तश्कील पाते हैं, और ये जो छोटे ज़र्रात है वो एटम कहलाते हैं। डाल्टन के एटमी मॉडल के बारे में हमने मंदरजा ज़ैल नज़रियात पेश किए थे, जिसमें हर एक अंसर बहुत छोटे ज़र्रात से मिलकर तश्कील होता है पाता है, दूसरा किसी अंसर में मौजूद तमाम अनासिर एटम कमियत और खसूस के एतबार से यकसा होते हैं, जबकि मुख्तलिफ अनासिर एटम की कमियत और खसूसियात के मुताबिक यकसा नहीं होते। एटम ना पैदा होते हैं, ना पैदा किए जा सकते हैं, और ना वो कभी फना हो सकते हैं, हमेशा बाकी उनकी बका रहती है। इसी तरह एटमों में उनको तब्दील किया जा सकता है। किसी अंसर की एटम दूसरे अनासिर के एटमों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एटम आपस में मुकम्मल अददी नस्बत में मिलकर बड़ी तादाद में मुरक्कब की तश्कील करते हैं। इसी तरीके से एटम क्या है, तो मैंने ये बता दिया। एटम का साइज़ भी मैंने बताया कि एटम का साइज़ बहुत छोटा है, और उसका मुवाजना कायनात की किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से नहीं किया जा सकता। एटम किसी भी मादे का सबसे छोटा वो बारीक ज़र्रा है, जो पूरी कायनात के अंदर अगर हम देखा जाए तो जितने कागज़ होते ना, करोड़ों कागज़ों की तादाद को अगर हम मिलाएंगे तो हम उसकी मोटाई को नहीं नाप सकते। और एटम को नापने के लिए नैनोमीटर का आला दिया गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि NM जिसकी निशानदेही है, एक M बराबर 10 की नफी नौकुवत। उसके बाद आता है अनासिर की अलामतें। अनासिर की अलामतों में काफ़ी कुछ मालूमात हमने देखी थी, लेकिन फिर से मैं बता दूं, अनासिर की अलामतों का इजहार भी सबसे पहले डाल्टन ने ही किया था। डाल्टन ने अनासिर की अलामत का मतलब उसके एटम से होता है, यानी उसके अंदर जो मौजूद एटम है उससे उसकी अलामतों को अक्स करने के बारे में बताया। ब्राज़ील्स ने
साइंसदान हैं, उन्होंने कहा कि अनासिर की अलामतों के लिए उनके नाम में से एक या दो हरूफ का इस्तेमाल किया जाएगा और आज उनके कुल अनासिरों के नाम IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक बड़ी संस्था चलती है वहाँ पर ज़्यादातर अनासिरों को अंग्रेज़ी हरूफ से उनकी अलामतें ली जाती है और अंग्रेज़ी हरूफ के उनकी अलामतों में उनका पहला हरूफ जो है वो कैपिटल होता है और दूसरा हरूफ जो है वो स्मॉल होता है। जैसे कि यहाँ पर HAL एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ए जो है कैपिटल है और एल स्मॉल है। दूसरा है कोबाल्ट तो कोबाल्ट का सी जो है वो कैपिटल है और ओ जो है वो स्मॉल है। जैसे इसी तरीके से जिंक तो जिंक जो जेड है वो कैपिटल है और एन जो है वो स्मॉल है। तो इसी तरीके से उनकी अलामतों के नाम जो है वो पहला कैपिटल हरूफ और दूसरा जो होता है वो स्मॉल रहा। अब ऐसी कुछ अलामतें हैं जिनकी अलामतों के नाम तो अंग्रेज़ी में कुछ और है लेकिन उनकी अलामतें हमें अलग दिखाई देती है। तो ये क्यों? ये लैटिन यानी जो लैटिनी ज़बान है वहाँ से ली गई है और वहीं की ऊपर से उनके लैटिन में जो नाम है वो नाम के ऊपर से उनकी अलामतें रखी गई है। जैसे कि कॉपर है तो हम ज़्यादातर तो कॉपर की अलामत CU देते हैं और कॉपर तो हम सोचते हैं कि कॉपर में के कॉपर के अंदर CO है तो अलामत में CU क्यों आ रहा है। तो कॉपर अंग्रेज़ी नाम है लेकिन उसकी अलामत जो CU रखी गई है वो उसके लातिनी नाम पर से रखी गई है जो उसका लातिनी नाम क्यूप्रम है। इसी तरीके से सोना का एरम है तो उसकी अलामत AU है। चांदी सिल्वर है अंग्रेज़ी नाम लेकिन उसकी अलामत AG है क्योंकि उसका लातिनी नाम अर्जेंटिनम है। इसी तरह लोहा आयरन लेकिन उसकी अलामत है FE जो है फेरम। तो ये फेरम जो है ये लातिनी नाम है और फेरम पर से जो है उसकी अलामत रखी गई है। लीड की पोटेशियम की सोडियम की जो अलामतें हैं वो लातिनी नाम पर से रखी गई है। उसके बाद आता है एटमी कमियत। तो एटमी कमियत किसी भी अंसर की एटमी कमियत उसकी एटम की निस्बत पे होती है यानी उसमें जितने एटम मौजूद होंगे उसके हिसाब से उसकी कमियत अक्ज की जाती है। जैसे कार्बन है तो कार्बन की एक उसको इकाई मानकर हम तहसीब करेंगे कार्बन में जितने एटम मौजूद होंगे उतनी उसकी कमियत होंगी। इसी तरह 1961 में एटम की कमियत की इकाई C12 यानी C12 दी गई तो उसकी कमियत जो उसका जो नंबर है उसका जो आइसोटॉप से यानी जो पीरियोडिक टेबल में कार्बन को रखा गया है वो 12वें नंबर पर रखा गया है। उसका मुवाजना 12वें नंबर पर हम कर सकते हैं। तो वन एटमिक मास AMU के ऊपर से उनकी कमियत को नापा जाता है एटम की जो बहुत बारीक छोटे ज़र्रात में बंधे हुए हैं। इसी तरह कार्बन का एक एटम यानी एक तिहाई हिस्सा उसके बराबर होता है और उसकी कमियत जो है वो C12 के नाम से जानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने टेबल के अंदर आप लोगों को बताया है यहाँ पर हाइड्रोजन है कार्बन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है तो इनकी एटमी कमियत तो उसमें जितने एटम मौजूद होंगे उसके ऊपर से उनकी एटमी कमियत ली जाती है। और एटमी कमियत की इकाई की तारीफ 1961 में एटमी कमियत के हमजा आइसोटॉप से तस्लीम की गई थी। अब उसके बाद आता है सालमा। सालमा जो है दो या दो से ज़्यादा एटमों का ऐसा ग्रुप है जो कीमियावी तौर पर तश्कील पाता है और एटमों के मिलने से बारीक बारीक छोटे छोटे एटम जो बन चुके हैं उनसे मिलने से सालमा बनता है। और सालमा वो छोटा ज़र्रा है जो आज़ाद हालत में रह सकता है। उसके तमाम खसूसियात CO2 से ज़ाहिर होती है। ये सालमे की निशानदही है यहाँ पर। अब मुरक्कबात के साल में तमाम तर नस्बतें सालमों से मिलकर जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जो नस्बत बनती है वो सालमों में आती है और सालमों से फिर वो आयन में तश्कील हो जाते हैं। तो इस तरीके से आयन धातु और अधातु के मिलने से जो मुरक्कबात बनते हैं और धाती इलेक्ट्रॉन खोकर जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन कुदरती तौर पर अनासिर में मौजूद होता है तो वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज खोकर वो कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो वो आयन में आते हैं। और धाती इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज जो है वो मनफी आयन बनाते हैं और मजबूत चार्ज लेकर वो मजबूत आयन बनाते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेबल के जरिए बताने की कोशिश की हूँ। जिसके ऊपर प्लस की निशानी रहेगी वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा जिसके ऊपर निगेटिव की निशानी रहेगी वो निगेटिव चार्ज जाहिर करता है। अब धातों के आयन धातें जो है वो पॉजिटिव आयन बनाती है और अधातें जो है वो निगेटिव आयन बनाती है। ये इतनी बातें आपको याद रखना है। इंशाल्लाह ये हमारा लास्ट था इस सबक से रिलेटेड वीडियो। अब आने वाला नया लेसन हम इसमें स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।